हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो राउंड वाला हमारा क्वेश्चन होता है उसका हम कवर बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि हर रोज़ नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ये देखो, सबसे पहले हम तकिए की लंबाई नाप लेते हैं। ये लंबाई हमारी 29 इंच है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो इस तरीके से हम राउंड शेप में लेंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। ये देखो, ये हमें लेनी है 27 इंच। तो ऐसे हमें चौड़ाई के अंदर कपड़ा कट करना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कपड़ा ले लिया है, इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं। जितनी हमने तकिए की लंबाई ली है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। 29 थी तो हमें 32 लेनी है, और इस साइड हमारी 27 थी तो हमें 28 लेनी है। इस साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे हमें फोल्ड करके अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखो, यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो मैंने इसके दोनों साइड सिलाई लगा ली है। देखो, इस साइड भी लगा ली है और इस साइड भी लगा लिया है। अब यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करके यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमें ऐसे ही 4 इंच पे निशान लगा के कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हमें झालर बनानी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखो, इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको झालर बनाएंगे। यहाँ से हमें छोटी छोटी सले डालनी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाएंगे इस तरीके से, और ऐसे हम सिलते जाएंगे। ये कपड़ा हमें वो नहीं लेना है जो हमने 4 इंच काटा था सिलाई करने के बाद में। ये कपड़ा हमें अलग लेना है। वो 4 इंच तो आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आपको काम में लेना है। तब तक आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर सलें डालनी है। अब हमें इसके साथ कैसे जॉइंट करनी है, देखो। जो हमने 4 इंच कपड़ा कट किया था आगे मोड़ने के बाद में, वहाँ पे हम इसके ऊपर ये पहले झालर रखेंगे। अब हम वो कपड़ा रखेंगे जो हमने कट किया था। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर रख के और सिलाई करेंगे। पहले हम सीधे कपड़े के ऊपर झालर रखेंगे। झालर के ऊपर हम उल्टा कपड़ा जो हमने 4 इंच में कट किया था वो रख के ऐसे हम सिलाई करेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड में ऐसे इसको सील लिया है। अब हम इसके अंदर जैसे हम नाड़ा डालते हैं उस तरीके से हमें एक पट्टी सी बनानी है। तो हम लगभग 1 इंच के अंदर कतरन को कट करेंगे चौड़ाई के अंदर, फिर उसकी हम ऐसे पट्टी बनाएंगे। उस पट्टी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखो, मैंने पट्टी बना ली है। इसको हम इस सुई की सहायता से इसके अंदर डालेंगे जो हमने कवर बनाया है। तो देखो, यहाँ पे ऐसे हमें डालना है, दोनों साइड में डालनी है हमें ये डोरी, क्योंकि हमें तकिए के अंदर ये कवर डाल के और फिर हम इसको दोनों साइड से नोट लगा के बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम डालेंगे। ये देखो, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। फिर हम इसको थोड़ा सा खींच के सलें एक जैसी करके
और यहाँ पे हम सील देंगे। तो यहाँ पे इसको सील लेते हैं, एक नोट लगा लेंगे इसके अंदर। जैसे हम नाड़ा डालते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको डाल के और सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने सील लिया है, अब हम इसके अंदर तकिया डालेंगे। देखो इस तरीके से हमें इसको डालना है। डालने के बाद में हम इसको दोनों साइड से बंद कर देंगे। तो ये डाल लिया है, अब यहाँ से हम इसको खींच के यहाँ पे जैसे हम नाड़ा बांधते हैं सेम उसी तरीके से इसको यहाँ से हम कस के बांध देंगे। दोनों साइड से हमें ऐसे ही कस के बांधना है। तो ये देखो हमारा कुशन कवर कितना सुंदर लग रहा है, इस तरीके से इसका आकार बनेगा। ये देखो कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, और ये मेला होने के बाद हम इसको आसानी से उतार के धो सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा कुशन कवर बनके तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।